खबर हमें खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। मौजूद मेहमानों का तारुफ तो हम करवाएंगे, बड़े अहम लोग हमारे साथ, मगर पहले कुछ खबरें। PTI मुज़ाकराती कमेटी मतलूबा नतज हासिल कर पाएगी या एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी, और ये ड्रामा जो है मुज़ाकरात का, इसमें कुछ जान है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी जो हैं अब अहम अहदों पर उनकी तकर्रियाँ शुरू हो चुकी हैं। इसहाक डार साहब तो वही, अब वो क्या वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और वो ये तसर ज़ाहिल करना चाहते हैं कि ये एक सब्सिडरी है, ये हुकूमत को लाया गया है, या क्या है, ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। पूरी दुनिया में सोलर पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, न सिर्फ सब्सिडी नहीं देती, कर्जा भी देती है और बग़ैर सूद के देती है। मगर सवाल ये है कि जो हमने महंगे बिजली के वायदे कर रखे हैं, उनकी पेमेंटें कौन करेगा? ये जो किक बैकें मुबैना तौर पर खाई गई हैं, वो तो सस्ती बिजली तो हम अफोर्ड नहीं कर, हमारी रूलिंग क्लास तो अफोर्ड नहीं कर सकती जी, और जो इन सौदों और ठेकों का हिस्सा थे जिनकी किक बैक हम अपने बिजली के बिल में देते हैं, उस पर बात करेंगे। किसानों का एहतजाज क्या हुआ? ये 7 दिन में जहाज कैसे पहुंच गया? 23 दिन लगते हैं, बताया जाता है कि 23 दिन लगते हैं यूक्रेन से अगर जहाज चले, मगर 7 दिनों में पहुंच गया, क्योंकि ऑर्डर हुआ तो 7वें दिन जहाज जो है लग गया। किसानों की गले पे यानी छुरी फिर गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हबीब अकरम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मैं तारुफ में वक्त ज़ाया करूँगा। थैंक यू वेरी मच हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब, एक तो नहीं, पहले तो मैं आज ना आपसे सवाल ज़रा स्क्रिप्ट से हटके भी करूँगा, क्योंकि आपने ना कोई 2012 से मेरे साथ मुतक्का लगा रखा है। हुजूर, ये मुज़ाकरात का ड्रामा बिला वजह, ये आपकी जो लिबरल डेमोक्रेसी काले धन के सर पर खड़ी हुई, तो हजूर ये तो अब जनाजा है जो हमने उठाया हुआ है। चलें, ये तो मैंने ज़िमनन आपसे बात की, आपकी मेरी लड़ाई चलती रहती है, इसमें भी आप अपना टेक दे दीजिएगा। मुज़ाकरात एक ड्रामा ही है मेरे ख्याल में, तो आप क्या समझते हैं जनाब हबीब अकरम साहब? काई साहब, जहाँ तक लिबरल डेमोक्रेसी का ताल्लुक है तो नो डाउट उस पर आपका और मेरा इख्तलाफ है, लेकिन मैं उस आगे बात बढ़ाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने अभी तक लिबरल डेमोक्रेसी की नेगेटिव चीज़ें, तो हमने डेमोक्रेसी लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो या कुछ भी हो, हमने तो अभी डेमोक्रेसी के फ्रूट्स चखे तक भी नहीं है। और लिबरल डेमोक्रेसी जहां दुनिया भर में पैसे के जोर पे चल रही है, पाकिस्तान में हमने देखा है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसमें ऐसे लोग भी जीत के आए जिन्होंने, बल्कि ज्यादा ऐसे लोग जीते जिन्होंने एक ढेला भी अपने इलेक्शन पे खर्च नहीं किया था। तो यहाँ पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद जब ये इलेक्शन कमीशन और आरओस के हत्थे चढ़ी तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है। जहाँ तक मजाक, मैं सिर्फ इतना बात कहूँगा, सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि लेकिन से पहले आपकी बात है और लेकिन के बाद मेरी बात है। अब आप आ जाए मुज़ाकराती कमेटी पे जी। अच्छा, जहाँ तक मुज़ाकरात का मामला है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा माहौल है कि जहाँ पर मुज़ाकरात हो सके। और मुज़ाकरात पहले तो हमें ये तयन करना है कि किस किस के दरमियान होने हैं, क्या हुकूमत और इमरान खान के दरमियान होने हैं, या एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान होने हैं, क्या इन तीनों के दरमियान होने हैं। अब यहाँ पर जब तक इन फरीकों का तयन नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम मुज़ाकरात के बारे में जितनी भी बातें हों, मेरा ख्याल है कि वो ख्वाहिशात पर मबनी तो हो सकती हैं। और जैसे बचपन में वालदैन या बुजुर्ग जो है छोटे लड़ते हुए बच्चों को कहते थे, अच्छा अच्छा बेटा चलो कोई बात नहीं, ये अगर तो इससे ज्यादा, यानी अगर तो मुज़ाकरात की ये कोई किस्म है कि जिसमें किसी बड़े ने कहना कि अच्छा अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उससे आगे निकल चुका है। मीनिंगफुल मुज़ाकरात जो है वो मौजूदा हुकूमत से मुमकिन नहीं है, यानी इमरान खान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान मैं कोई चीज़ ऐसी कॉमन ग्राउंड नहीं देखता कि जिसके ऊपर मुज़ाकरात हो सके। क्या एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई ऐसा माहौल बन सकता है कि जिसमें मुज़ाकरात हो? तो आज की तारीख तक मुझे ऐसा नहीं लगता। तो लिहाजा ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं या मुज़ाकरात के हवाले से जो इमरान खान साहब ने 3 नाम दे दिए हैं, तो इसको बस यूं ही समझना चाहिए कि जाहिर है पॉलिटिशन के पास ये कहने की गुंजाइश नहीं होती कि वो मुज़ाकरात नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें अभी विक्रम साहब हवा में उड़ा दी जाती हैं, और ठीक कहते हैं यार सोशल मीडिया है उस पर हम इसलिए वो फायर वॉल भी लेके आ रहे हैं कि जी बंदे छोड़ दिए गए जी, रिटायर्ड जो हैं कुछ हमारे दोस्त जो हैं जो आर्मी के वो बीच में पड़ गए हैं और ये है वो है, तो ये सब बेपरकी हैं, ये सारी खबरें बेपरकी हैं आपके मुताबिक? देखिए, बीच में पड़ने की ख्वाहिश, यानी पाकिस्तान के अंदर तनाव कम हो, सईद काई साहब अगर कहे कि आप अपना किरदार अदा करें या आप कोई फॉर्मूला पेश करें या आप कोई बात करें या
किसी भी शख्स को, पाकिस्तान के किसी भी सेन शख्स को ये कहा जाए, नंबर वन। दूसरी बात है, पाकिस्तान के अंदर हर नॉर्मल आदमी की ख्वाहिश है कि इस वक्त जो जिस तनाव से मुल्क गुजर रहा है ये तनाव ख़त्म हो, तो लिहाजा अपने मुल्क से मोहब्बत का तकाजा तो सबको इस ये बात कहने पे मजबूर करता है कि सब पार्टियां मिल बैठें और एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। लेकिन यहाँ पर सवाल इससे ज़्यादा बुनियादी रुवियत का है कि क्या हमने मज़ाकरात की नहज या मज़ाकरात का मनहज वही रखना है जो हम माजी में रखते रहे हैं कि जैसे जैसे गुलाम इसहाक खान एक जगह बैठे, नवाज शरीफ साहब एक जगह बैठे और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल नईम काकड़ एक जगह बैठे और इस तरह के मुज़ाकरात हो गए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर वजूद में आ चुकी है जो दरअसल जिसके ऊपर एक बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम है कि ये आवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। इसके जो बेशतर अज्जा हैं वो ऐसे हैं कि जो किसी ने वहाँ पे रखे हुए हैं, अवाम ने मुंतखब करके उन्हें असम्बली में नहीं भेजा। तो जब इस तरह की हुकूमत हो तो जाहिर है इसके साथ तो मतलब मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ाकरात होने का कोई इम्कान हो सकता है, सिवाय इसके कि ये हुकूमत पहले कहे कि मैं जहाँ हम जाते हैं अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद कोई मुज़ाकरात की सूरत निकलती है। तो मैं मजमूई तौर पर कुछ मैं अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहा। हबीब अकरम साहब, मेरी इस असेसमेंट से आप किस हद तक एग्री करते हैं कि जब निसफ नहार पे सूरज आएगा और अगले तीन महीने के बिल आएंगे, गैस के हों या बिजली के हों या पेट्रोल हो, तो ऐसे नहीं लगता कि ये तीनों फरीक हैं ये इन सब को आपस में मुज़ाकरात करने पड़ जाएंगे? क्योंकि अभी तक आपके सारे बयानिए में से जो चीज़ मिसिंग है, भले PTI हो, PPP हो और PMLN हो, वो एक आम आदमी की प्लाइट है, वो कीमतें हैं जो बढ़ रही हैं, जो यकीनन आवाम को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही हैं, ये इस एनालिसिस से किस हद तक आप एग्री करते हैं? अब पहले तो जो आपने बताया कि फरीक तीन है, तो फरीक गालिबन आपने मौजूदा हुकूमत को करार दिया है। यूं ही नाचीज मेरे मुंह से निकल गया है कि मुमकिन है इन्हें भी ये भी मुज़ाकरात कर लें तो शायद कुछ मतलब हालात बेहतर हो जाएं। एक तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देखना वजीर दाखिला का मामला, उसके बाद मैं खुल के बात करता हूँ, वावड़ा साहब का मामला, मेरा मतलब है कि ये भी कुछ बातचीत कर लें, कुछ मामला ये भी ठीक कर लें। चल के इस हुकूमत के पास वो सख्त है कि ये मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात में जो तय पाए उस पर अमल दरामद कर सके, तो लिहाजा सख्त से महरूम कोई भी, सियासी सख्त से महरूम कोई भी गवर्नमेंट हो तो उससे मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह ईरान में हुआ था कि ईरान में एक मौका था जब शाह और इमाम खुमैनी के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते थे, लेकिन क्या शाहपुर बख्तियार और इमाम खुमैनी के दरमियान मुज़ाकरात की कोई मानी समझ आते? नहीं समझ आते। तो लिहाजा हमें ये समझना होगा कि वो कौन सा फरीक है जिसमें ये सख्त है कि वो कुछ कहे और उस पर अमल दरामद कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है और इस हुकूमत का जो जुज़्वे आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है। तो जब एक लॉस्ट क्रेडिबिलिटी के साथ वो एक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगी तो इसका मतलब है कि इसको तो आपने लेजिटिमेसी दे दी इस पूरी की पूरी सेटअप को। तो लिहाजा मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई ये फरीक बनने की पोजीशन में है। हजूर एक और मुझे बात बताएं, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो जो कह रहे हैं कि जी वो तो प्राइस टैग भी बता रहे हैं कि जी असम्बली बिकी हुई है। जावेद लतीफ़ साहब मेरे मोहतरम अजीम कायद हमारे, वो उन्होंने 90 करोड़ की बात कर दी है। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको कि ये बातें भले भली हों अच्छी हों मगर आ कहाँ से रही हैं? खैर तो है बड़ी साहब, अपना बड़ी साहब कह रहा हूँ, जनाब हबीब साहब, कई साहब, ये जो गुफ्तगू है ये दरअसल 8 फरवरी से पहले भी हो रही थी और 8 फरवरी के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। हम सबको, आपको, हम यानी आप और मैं दोनों जर्नलिस्ट हैं, हम सबको पता है कि ये गुफ्तगू हो रही थी, चाय खानों में बैठ के हो रही थी, टेलीफोन पे हो रही थी, एक दूसरे को बताया जा रहा था कि कितने पैसे मांगे गए, कितने पैसे दिए गए या किसने इनकार किया, किसने इकरार किया, ये इस तरह की हेर से जो थी वो तो सीना बसीना चल रही थी। लेकिन अब मुतय्यन अंदाज में जैसे आपने जावेद लतीफ साहब का नाम लिया और अब मौलाना फजल रहमान ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके ये बात कर दी कि ये असम्बली की सीटें खरीदी भी गई हैं और बेची भी गई।
अब ये कोई छोटा इल्जाम नहीं, ये गुफ्तगू तो पहले से हो रही थी। ऑनेस्टली आप पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसमें हम सहाफियों में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ये बात कहने की। पहले तो ये बताएं कि क्या यहाँ तक आप और मैं अग्री करते हैं? नहीं नहीं, मैं अग्री आपसे तो बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात पे, बल्कि मैं इसे एक कदम आगे जाऊंगा, इसे एक कदम आगे जाऊंगा, आप बात मुकम्मल करें। ये बातें तो पहले से हो रही थी, तो आज उनको हमारे पास जर्नलिस्टों के पास बात करने का मौका आ गया है कि किसी दो बड़े ऐसे लोगों ने के जो खबरों में रहते हैं उन्होंने मुतय्यन तौर पर इल्जाम लगा दिए। तो अब आप इसको मुज़ाकरात वाली बात से जोड़ के देखें, क्या कोई ऐसी असेंबली जिसके ऊपर बेचे या खरीदे जाने का इल्जाम हो तो क्या वहां के किसी जुज से या किसी ग्रोह से मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे? नहीं, फिर वहां तो सौदेबाजी हो सकती है ना, दुकानदारी हो सकती है, क्योंकि अगर हम इनकी बात माने तो इन्हें ये तो जमहूरियत ना हुई, करियाने की दुकान होगी, जरा बड़ी कर लें, पैसा माल बढ़ा है। अच्छा हजूर, एक और बात मैंने आपसे पूछनी है। मौलाना फजलुर रहमान बड़े, आपको पता है, जरूरतमंद हमारे लीडर हैं, वो धड़े जिस धड़े में भी हों, आप वो कहते हैं मेरे दिल में बड़े राज हैं, मैं सड़कों पर भी आऊँगा और राज भी खोलूँगा। अली अमीन गंडापुर भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कौन से राज हैं? यहाँ पर तो सारे सीक्रेट ओपन ही होते हैं वैसे, हबीब अकरम साहब। देखिए, अब तो सिर्फ होता है पाकिस्तान के अंदर ओपन ही होता है, सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन जरूरत के मुताबिक अपना अपना नाम ले लिया जाए, या जिससे मुखालफत हो या जिससे मुआफ़त हो, तो अपना अपना नाम ले लिया जाता है। तो अगर खुद जनाब मौलाना फजल रहमान मद्दसतुल आली अगर वो इस तरह के नाम लेते तो मेरा भी ख्याल के सूरत हाल में जौहरी तौर पर कोई फर्क पड़ता। हाँ, ये नाम लेके किसी को थोड़ी एम्बेरसमेंट हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बल्कि प्रॉब्लम नहीं होगा, एम्बेरसमेंट होगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई साल हम देखते हैं वो जो जमाने में जब आप मैं रिपोर्टर था और आप थे, अगरचे मुख्तलिफ इदारों में थे, लेकिन उस जमाने में आपको याद होगा कि छोटी खबर भी इसको एम्बेरसमेंट के लिए काफ़ी होती थी और उसको एम्बेरसमेंट महसूस भी होती और वो उसको सूरत हाल को कोशिश करता था। लेकिन पिछले डेढ़ दो साल में ऐसा लगता है तो एम्बेरसमेंट तो होती ही नहीं है, यानी वो कोई शायद चाहता है कि उसका नाम नेगेटिवली लिया जाए ताकि उसकी धाक बैठे, ताकि गली मोहल्ले में उसके बारे में ही कहा जाए कि यार बड़ा ताकतवर आदमी है, बड़े ताकतवर लोग हैं, उनसे ऐसा नहीं। तो शायद अब वो एम्बेरसमेंट वाला तो एलिमेंट ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से चला गया है। तो लिहाजा अब जो मौलाना कुछ नाम लेंगे तो वो अपनी ज़रूरत के ताबे लेंगे, और मैं आपको अर्ज करूं कि कुछ नाम फिर उसके बाद भी लिए जाएंगे। वो कहानी अगर, का अगर जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर नाम नहीं भी लिए जाएंगे, ये भी दुरुस्त है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अच्छा हजूर, ये फरमाएं आप कि मियां नवाज शरीफ साहब जरा अब पांव अपना दबा, जमीन जिस तरह कहते हैं ना, अपना पांव रख रहे हैं, और जो लोग जिस तरह इसहाक डार साहब को भले से वो एक कह रहे हैं एक बेमानी सौदा है, आइन में उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन ही इज़ जस्ट प्लेसिंग हिज ओन पीपल इनटू दिस डिस्पेंसेशन, और राना सनाउल्ला, ये अब लोग वापस आते हैं, राना सनाउल्ला, साद रफीक साहब, ये जो क्लोज मियाँ साहब के लोग हैं, तो इनको भी कोई अहदे मिलेंगे या कोई नुमाइशी अहदे ही मिलेंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और मोहतरमा मरियम नवाज ने एक अपना इमेज बनाया था कि वो बहुत ही एस्टैब्लिशमेंट। शहबाज शरीफ साहब मिडिल ग्राउंड लेते हैं, और आपको याद होगा एक मौके पे मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के बयानी का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, अब वो जो फर्क था मनोतो का, जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को एक दूसरे से अलग करता था, वो खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ साहब ने पूरी नवाज शरीफ साहब ने आप जानते हैं कि गैबी इमदाद से इमरान खान साहब की हुकूमत भी आई, उसके बाद जिस अंदाज से अपने ऊपर बने हुए मुकदमे बगैर इल्जामात का जवाब दिए खत्म करवाए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे खत्म हुए, जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज पर बने हुए मुकदमे खत्म हुए, जिस तरह इन दोनों
भाइयों के साहबजादगान के ऊपर बने हुए मुकदमे खत्म हुए, उसने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान फर्क मिटा के रखा। नवाज शरीफ साहब अब आप इन्हें यूं नहीं कह सकते कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बज़ाहिर लगेगा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं भाई साहब, जो ये किरदार हैं कहानी के, ये मुसन्निफ नहीं, तो किरदार कितनी भी आज़ादी का मुजाहरा कर ले, मुसन्निफ की तय करदा हदूद से बाहर नहीं जा सकता। वह मैं आपकी बात ये समझाऊं कि इनकी जो सोशल बेस उड़ी है, जो हल्की फुल्की थी, जिसके बारे में जी कुछ ना समझे, खुदा करे करे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये मुझे, चले मैं एक खबर पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि हमारे दोस्त मुसिर हैं, कोई पीटीआई में लोगों की वापसी भी हो रही है, कोई खबर भी है, जो लोग बेचारे प्रेशर में दाएं बाएं हो गए थे, क्या अब उनकी यानी हो जाएगी माफ़ी तलाफी? देखिए, पाकिस्तान की सियासी रवायत है, माफ़ी तलाफी तो हो सकती है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग काफ, यानी मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ हो गई थी और मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम हो गई, तो अब तो काफ और नून में फ़र्क भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन खैर, तो ये तो पाकिस्तान तरीके साफ के लोग हैं। यस, ये वापस देखिए, कोई भी पार्टी लोगों को पुश अवे नहीं कर सकती, नहीं कर सकती कि तुम जाओ, तुम मेरे पास ना आओ, हम तुम्हें ये नहीं करेंगे। देखिए, लोग आएंगे, लोग पार्टी में जाहिर है कहते रहेंगे कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं, लेकिन पीटीआई उन्हें अपना हिस्सा मानेगी, ये इस काम में ज़रा देर लगेगी, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अगर खौफ की बुनियाद पर या दबाव की बुनियाद पर अपना फैसला बदला था, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बदला था, और अब पीटीआई के अंदर एक नई क्यादत भी उभर आई है जो सारी मुश्किलात से गुजर के आई हुई है, तो मुझे लगता है कि पुराने लोगों को अब जगह बनाने में काफ़ी मुश्किल पेश आए, तो उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और राइट टाइम पे करना पड़ेगा, और वो राइट टाइम गालिबन आजकल है, तो अगर वो राइट टाइम पे कुछ कोई कुछ कर सकता है तो वो शायद वो काबिल कबूल हो जाए, बसूरत दीगर मुझे नहीं लगता कि ये पुराने ओहदों पर लोग बहाल हो जाएंगे। हाँ, छोटे मोटे नीचे, अब ये पुरानी तनख्वाह नहीं मिलेगी, पुरानी तनख्वाह से काफ़ी कम पे काम करना पड़ेगा, नई तनख्वाह शायद इतनी अच्छी ना। जनाब मोहतरम हबीब अकरम साहब, इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू, और आप हमने हमारी रहनुमाई की और हमारे प्रोग्राम में एक बड़ा आपका बड़ा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बड़े अहम मसाइल हैं ये, आखिर ये बिजली के जो मसला है, इस पर बात करेंगे कि सोलर पे ये र्यूमर कौन छोड़ रहा है, ये फीलर कौन छोड़ रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं घाग लोग, जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है माशी तौर पर, ये सोलर तो उनकी फिर मौत होगी, यानी ये फिर रोटियाँ बंद हो जाएंगी जो नाजायज़ तौर पर माशाल्लाह ढेरों ढेर उनको दे रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और किसानों के एहतजाज की बात भी करेंगे कि कैसे गंदम आई और ये गंदम इतनी जल्दी कैसे यहाँ पहुँच गई और किसानों का किस तरह से हमने माशी जो है वो कत्लेआम किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, बहुत से तारुफ के हवाले हैं इनके, तदरीस से मुंसलिक हैं, मईशत के उस्ताद हैं, फलसफे पर गहरी निगाह रखते हैं, ख़ास तौर पर डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म पे भी जो है उसके भी उस्तादों में से एक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और ज़हमत का बहुत माजरत। डॉक्टर साहब, मैं बुनियादी सवाल पर आता हूँ कि यूँ लगता है कि हमने बड़ी मेहनत से अपनी मईशत का हलिया बिगाड़ा है और हम एक ऐसी नहज पर अब पहुँच चुके हैं कि जो सोल्यूशनस हैं वो भी नॉन सोल्यूशन बन गए। मैं मिसाल दे देता हूँ कि अब IPPs वाले खौफ ज़दा हैं कि अल्लाह ना करे कहीं से ये सोलर ना आ जाए या विंड एनर्जी ना आ जाए, तो हम इस क्वैगमायर से कैसे निकलेंगे डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया जी, और कोई जहमत की बात नहीं, आपने बुलाया है, इट्स एन ऑनर फॉर मी। IPPs ने तो आपको पता है कि पब्लिक फाइनेंस का बेड़ा गर्क कर दिया है, तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस हमें उनको पे करना पड़ता है सालाना, और पेमेंट बंदा कर भी दे अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि इस्तेमाल की जा रही हो, मगर ये कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, यानी कि ये वो पेमेंट्स हैं जिसके एवज हम बिजली भी नहीं उनसे ख़रीद रहे।
आप ठीक कह रहे हैं कि सोलर पैनल्स की वजह से आईपीपीज इस वजह से घबराए हुए हैं क्योंकि लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं फिर हुकूमत को ये खदशा है कि वो हुकूमत की आईपीपीज की बनाई हुई महंगी बिजली ख़रीदेंगे नहीं। और वैसे ये अनलाइकली है इस वक्त क्योंकि जो ओवरऑल सोलर पैनल्स की इस वक्त ग्रिड है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो एक मेरे हिसाब में तकरीबन 1 मेगावाट के करीब होगा या समथिंग टू दैट एक्सटेंट। इट्स नॉट सो सिग्निफिकेंट के वो एक बहुत बड़ा डेंट करते तो मगर इसमें जो इशू है वो यही है कि वो चाहते हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो मिलती रहें। इस मामले को ठीक सर इसी तरह किया जा सकता है कि या तो आईपीपीएस के साथ रीनेगोशिएट किया जाए कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं तो हुकूमत जो है उसके पास ये इस्तेकाक है कि वो उनको ऑडिट कर सकती है, वो उन पे नए टैक्सेस लगा सकती है, वो उनको चेक कर सकती है उनके इन्वायरमेंटल और लेबर रेगुलेशंस के हवाले से। हुकूमत के पास भी कई हथियार होते हैं, कई तरीके होते हैं, अगर वो कोई काम करना चाहे तो वो कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, 4.5 रुपए 80 पैसे मैंने टैरिफ निकाला, ये इंडिया का चंद किलोमीटर उधर जी है। अच्छा उसके बाद मैं यकीन कीजिए मैं 2012 से अपने शोज में ये शोर मचा रहा हूँ, पहले तो ये टैबू था, इस पर बात करना ही जो है वो गुनाह कबीरा समझा जाता था, आज बुरकस निकल चुका है हमारा। तो उसके बाद तो इसको मैंने डॉक्टर कराम से बात की थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ आप वो है वो बिठा दें, जाके अपने गवर्नमेंट के बंदे बिठा दें, क्योंकि इसमें तो मामला डॉक्टर साहब ये भी है कि इनपुट भी हम देते हैं और वो सिस्टम भी इन प्लेस नहीं है जो ये असर्टन कर सके कि इनपुट कितना खर्च हुआ, ख़रीदा भी हमने है और वो मार्केट में भी बिकने की बातें होती हैं। डॉक्टर साहब जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, 100% आप ठीक कह रहे हैं। और पिछली दफ़ा जब ऑडिट हुआ था आईपीपीस का, गालिबा 2018 में हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद डेट मेरे जहन में गलत हो मगर चंद साल पहले की बात है, तो उसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ का निकला कि उन्होंने ओवर बिलिंग की हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की उन्होंने ओवर बिलिंग की हुई थी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जाके पता करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए इनको दोबारा से कि जो हमें ये बिल बना के पकड़ा देते हैं वो दुरुस्त है भी कि नहीं। आपने ये बिल्कुल बात सही की। दूसरा आपने इंडिया की बात की, बांग्लादेश की भी अगर आप डेटा देख लें, रीजन में डेटा देख लें, बांग्लादेश ने तो बाकायदा एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि हमने जो है ना हर जगह पावर को पहुंचाना है और उसमें पब्लिक प्राइवेट उन्होंने पार्टनरशिप की हुई थी, मगर इंडिया में भी ऐसे है। मगर दोनों कंट्रीज़ ने ये नहीं किया कि मुकम्मल तौर पर पावर सेक्टर जो है जिस तरह हमने किया कि एक तरह बिल्कुल गिरवी रखवा दें आप निजकारी के या निजी बिजनेसेस के, जिस तरह हमने इस पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन की, ख़ास तौर पे जो स्टेट गारंटी का मामला है, वो सॉवरेन गारंटी जिसको हम कहते हैं उसका मामला है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है जिसकी वजह से हमने नुकसान किया। देखें जी, मंडी के अंदर आप अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करें, अगर आप अच्छा बिज़नेस नहीं करेंगे तो आपको मुनाफा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, और अगर आप अच्छा बिज़नेस करेंगे आप मुनाफा कमाएंगे। मगर आप गौर करें कि आईपीपीस कभी भी जो है वो नफ़ा नहीं कर सकती, वो हमेशा मुनाफा ही कमाएंगी। उसकी वजह ये है कि उनको सॉवरेन गारंटी दी हुई है। ये तो रूल्स ऑफ कॉम्पिटिशन के ख़िलाफ़ है, ये तो मार्केट के असूलों के ख़िलाफ़ है कि कोई निजी बिज़नेस कर रहा है और गवर्नमेंट उसको गारंटी कर रही है कि आपको इतना मुनाफा हर साल मिलेगा ही मिलेगा, तो बिल्कुल ही कंपटीशन के असूलों के ख़िलाफ़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पहलू कि जो हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और वर्ल्ड बैंक की फिगर है, मैं 1-2 अरब के ऊपर कह सकता हूँ, $45 बिलियन का वो कह रहे हैं कि हमें 10 साल में नुकसान हुआ। और अगर 93 से हम जो पहले मुआहदे किए थे उन्होंने हेजल उलेरी जब आई थी, तो मेरे ख्याल में हमें ये टीका को 250 अरब का है, और जो हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई हम कैसे कम्पेटिटिव होंगे, हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं इस बिजली की कीमत के साथ? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते जी। इनफैक्ट अगर आप टेक्सटाइल मालकान से भी बात करें तो वो सारे के सारे यही कहते हैं, मजदूर तो अपनी जगह कह ही रहा है कि जी हम कैसे इतनी महंगी बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो बेचारा रो ही रहा है ना, क्योंकि महंगाई उसके नतीजे में इतनी पैदा हुई है। बट इवन जो टेक्सटाइल मालिक हैं वो भी मुझे ये बताते हैं, उनसे भी जब कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो वो यही कहते हैं कि जी हमारी बिज़नेस तो ख़त्म हो गई है। मैं पूछता हूँ क्यों, क्या वजह है? हम तो कॉटन प्रोड्यूसिंग, द मदर ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, क्या वजह है? वो कहते हैं जी बिजली इतनी महंगी है, वी आर नॉट कम्पेटिटिव ऑन द वर्ल्ड मार्केट, हम कम्पीट ही नहीं कर सकते बांग्लादेश के साथ, हम कम्पीट ही नहीं कर सकते वियतनाम के साथ, इंडिया के साथ हम। बल्कि आपको दिलचस्प बात बताऊं कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर्स जो है पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट अपनी लेके जा रहे हैं कि जी वहां पे बिजली सस्ती है, वहां पे हम बेहतर पैदावार कर लेंगे, तो वहां पे पैदावार कर लें। अंदाजा करें आप।
सो ये जो वर्ल्ड बैंक और ओलेरी वगैरह ने आके यहाँ पे कहा कि यू नो दिस इज़ द बेस्ट, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट एनर्जी पॉलिसी, ये बेस्ट एनर्जी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए नहीं थी, ये बेस्ट एनर्जी पॉलिसी यू नो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए ज़रूर थी। और मुझे हमें भी देखना चाहिए कि जब ये वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे और स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हमें आके कहते हैं ये बेस्ट पॉलिसी है, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि वो आपके मुफाद के लिए बेस्ट पॉलिसी है, या वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे मुफाद के लिए बेस्ट पॉलिसी है? मेरे तो ख्याल में इट इज़ द लेटर। डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर कराम को दोबारा मैं कोट कर रहा हूँ, मलेशिया ने जब हाथ डाला इनको, महातीर मोहम्मद ने, तो इन्होंने वहाँ पे बजाय कंटेस्ट करने के वहाँ से भाग ही गए वहाँ पे, तो यानी ये था। लेकिन अब सवाल ये है कि हम कोई और अफोर्ड करने के अब हम जिस मनहज पे पहुँचे हैं, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो बिजली के बिल आने वाले हैं, ये लगता नहीं है कि जिस जिन चीज़ों पे सियासत हो रही है ये पीछे रह जाएगी और जो आम आदमी है वो मुमकिन है, हालांकि उसका कोई आंसू पूछने वाला नहीं है, तो ये हमारे अमन व अमान के लिए भी मुसीबत नहीं बन सकती अगले दो चार महीनों में जो गर्मियां आ रही हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत IPPs जो थी वो फॉरेन ओन कंपनीज थी, हबको वगैरह जैसे एंड सो ऑन, और अभी भी हमारे पास कई चाइनीज़ कंपनीज हैं। मगर एक दिलचस्प बात जो अक्सर लोग नहीं जानते वो ये हैं कि ये तो आपको पता है 93 में 95 में पॉलिसीज़ वगैरह बनी थी सारी, तो अब तक आके ये कई पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जो IPPs बना चुके हैं, तो मियां मंशा वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, असल में मजॉरिटी पाकिस्तानी IPPs अब पाकिस्तानियों की IPPs है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरी बात आपको इससे भी और दिलचस्प बताऊँ कि IPP की पॉलिसी इतनी ख़राब है, इतनी बायस्ड है कि गवर्नमेंट ने भी अपने IPPs बना लें ताकि वो गवर्नमेंट से कैपेसिटी पेमेंट्स ले सकें। इट इज़ द मोस्ट इनसेन थिंग दैट वन कैन एवर इमेजिन। आप सोचें, सो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक ये हमारा खौफ है कि जी अगर उन पर टैक्स लगा देंगे, उनका ऑडिट करेंगे तो ये भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, ये पाकिस्तानी ही कैपिटलिस्ट हैं। और आप देखें, पहले भी इन्होंने दो दफ़ा रीनेगोशिएट किया है, गालिबन 2015 के अंदर भी इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि डॉलर की जो जिस वैल्यूएशन है उस पर डॉलर को 145 रुपीस पे फिक्स भी करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। एक और दफ़ा भी इनसे रीनेगोशिएशन हुई, फिर इनका ऑडिट भी हुआ, जब ऑडिट हुआ इन पे जुर्माना भी हुआ, वो भी इन्होंने अदा किया एंड सो ऑन। सो ऐसा नहीं है कि अगर हुकूमत इन पे प्रेशर डाली बस ये भाग जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट के पास पावर है, बस ये मसला है ना कि सर ये बड़े पावरफुल किस्म के लोग हैं और गवर्नमेंट को इन्होंने कन्विंस किया हुआ है कि बस यही ठीक है। बट आपने रियलिटी बताई है, रियलिटी ये है कि महंगी बिजली की वजह से एक्चुअली पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है। ये आपने बिल्कुल सही दादो शुमार बताया है, ये परवेज़ ताहिर साहब की रिपोर्ट, जो मरहूम हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, उनको भी उनका डेटा आप उठा के देख लें कि पर कैपिटा टर्म्स में और GDP के जो जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी के टर्म्स में एक्चुअली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पीछे की तरफ जा रही है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा आउटपुट। तो यानी कि पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है और उसकी सिर्फ और सिर्फ जो मेन सबसे बड़ी वजह है ना सर, वो IPP पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, एक और हैरत अंगेज खबर आपने भी देखी होगी कि पिछले दिनों में हमने 38 अरब रुपए अदा किए रियासत ने और उसके एवज हमने एक यूनिट भी उनसे नहीं लिया था। तो ये अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये आप अफोर्ड कर सकते हैं जब थोड़ी बहुत फैट हो रियासत में, या जिस तरीके से हम 60s, 70s, 80s में हमने जो किया, अब तो वो फैट नहीं रही, अब तो बेयर बोन्स हैं। और अब भी कोई आप समझते हैं कि इस शराफिया में कोई अकल, दानश, शऊर या कोई आपको नज़र आता है कि ये इस डिज़ास्टर से बचने में इनके अंदर है सलाहियत? सर आपने बड़ा प्यारा मुहावरा दिया है, मैं तो कहूँगा कि वो जो बेयर बोन्स भी हैं ना, वो भी अब टूटने लगी हैं, हड्डियाँ हमारी टूटने लगी हैं। उसकी वजह ये है कि इन IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि अब आप जानते हैं 1.3 ट्रिलियन से ज़्यादा हैं सालाना, आपका डेटा बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मौजूदा पीरियड में हमने दिया है और सालाना उनको ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा देना है, तो ये कहाँ से पूरा हो रहा है? ये अब पूरा हो रहा है बिजली के रेट बढ़ा के, उस पर टैक्स लगा के ये पूरा हो रहा है कि अगर आप 280-290 रुपये का पेट्रोल लेते हैं तो 100
342 रुपीज़ उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं, यानी कि अगर आप 10,000 रुपए की टैंकी भराते हैं ना, तो उसमें से 5,000 रुपए हुकूमत को जा रहा है, असल में आप सिर्फ 5,000 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं और 5,000 रुपए का पेट्रोल आप असल में खरीद रहे हैं, बाकी सारा टैक्स में जा रहा है। इसी तरह बिजली पे भी टैक्स है, गैस पे भी टैक्स है, अब वो कहते हैं हमने सोलर पैनल पे भी टैक्स लगा देना है, इसी तरह पेट्रोल पे भी टैक्स है, डीजल पे भी टैक्स है। तो ये जो महंगाई हो रही है सर, ये हो ही इस वजह से रही है कि जो आम इस्तेमाल की अशियाँ हैं इन पर ये टैक्स लगाई जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये पैसे इकट्ठे करके आईपीपीज़ को अदा करना चाहते हैं, और उनके पास तरीका ही कोई नहीं, क्योंकि बस पैसे कोई नहीं, हड्डियाँ टूटी हुई हैं बिल्कुल। सो ये दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आप लोगों की चमड़ी उधेड़ दें, आप इतने टैक्सेस लगा दें कमोडिटीज़ पर जिससे महंगाई इतनी हो और ऊपर से बंदा जो है वो चीज़ें ही ना अपनी पूरी कर सके, ज़रूरियात ही ना पूरी कर सके। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन वही है जो बड़ा सादा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि स्टैंड अप टू द आईपीपीस, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स आप रीनेगोशिएट करें, अगर वो रीनेगोशिएट नहीं करते, आप हुकूमत हैं, आपके पास कानून आपकी साइड पे, आप उन पे केस करें कि जी ये आपकी वायलेशन, वो आपकी, आपको पता है कितनी वायलेशंस करते हैं ये लोग? एक वायलेशन होती कोई सिर्फ लेबर की वायलेशन, कोई सिर्फ इन्वायरमेंट की वायलेशन थोड़ी होती, इतनी सारी टैक्स की वायलेशन, इसकी वायलेशन, ओवर बिलिंग की वायलेशन। गवर्नमेंट ने जब किसी के पास पीछे जाना होता है तो वो अपने जो फौज रखी हुई उन्होंने वकीलों की और ऑडिटर्स की और इकोनॉमिस्ट की और अकाउंटेंट्स की, वो भेजे ना जाके पे पता कराएं कि आईपीपीस वाकई अबव बोर्ड है, उनके सारे बुक्स जो हैं वो इन ऑर्डर हैं कि नहीं। तो जब इस तरह उन पे प्रेशर आएगा तो वो कहेंगे ठीक है जी, ओके, लेट्स रीनेगोशिएट। आफ्टर ऑल देखें सर, उनकी हड्डियाँ नहीं टूट रही, वो करोड़ों रुपये नहीं खरबों रुपये कमा रहे हैं, दे आर सो रिच राइट नाउ। इस वक्त सबसे नंबर वन बिजनेस पाकिस्तान के अंदर आईपीपी का बिजनेस है, उससे ज़्यादा अच्छा कोई बिजनेस है ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उन पर अगर थोड़ी सा बोझ आ जाएगा, थोड़ा सा टैक्स लग जाएगा, थोड़ा सा उनकी ऑडिटिंग हो जाएगी, तो क्या उनका नुकसान होगा? नथिंग, सिर्फ ये है कि जी अगली 10 पजेरो आप नहीं खरीद सकेंगे या अगले 6 मकान नहीं आप खरीद सकेंगे, नो बिग डील, आप फिर भी अमीर होंगे, आप फिर भी बिलियंस कमा रहे होंगे, सिर्फ फर्क ये है कि इकोनॉमी का सत्यानाश नहीं कर रहे होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पहलू की तरफ मैं आता हूँ, और ये भी बड़ा एक फेस्टिंग वूंड समझने बन गया है। हालांकि जो ईरान से स्मगल चीज़ें हैं, मुझे मेरे ब्यूरो चीफ गालबन बता रहे थे कि वो कराची तक बिक रही हैं और आयल भी वहाँ पे आ रहा है, और मैं खुद गया था ईरान, और बल्कि टैक्सी ड्राइवर से मैंने पूछा तो मुझे, अगर मैं गलत, मुझे याद नहीं, कुछ 10 रुपये का लीटर या कितना वो बता रहे थे। तो ये क्या हमें इस पे भी डिसीजन लेन देना पड़ेगा, कोई मेटल दिखाना पड़ेगा, या गैस पाइपलाइन जो है वो, ये हमारे इशूज़ हैं? डॉक्टर साहब, इस पर आपका क्या टेक है? एब्सोल्युटली सर, आपने 100% ठीक है, मैं खुद भी ईरान गया हूँ, और ईरान पता है हमसे क्या चाह रहा है? ईरान हमसे चाह रहा है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हम उनको बेचें, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। सर आपको मालूम होगा कि कल और परसों जीपीओ चौक में यहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर किसान इतिहाद के लोग इकट्ठे हुए हुए थे, और क्या कह रहे थे कि ये गंदम हमने बनाई है, खुदारा ये गंदम हुकूमत हमसे ख़रीद ले, वरना ये गंदम तबाह बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल। और हुकूमत जो है वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही, वो कह रही है हमने सस्ती ख़रीदनी है, वो कह रहे हैं जी ये गंदम सारी तबाह हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, हमें सस्ती बेचनी पड़ेगी, रो रहे हैं, उनके हंड्रेड्स ऑफ लोग अरेस्टेड हैं। यानी कि हमारे पास सरप्लस क्या चीज़ है? गंदम की प्रोडक्शन। ईरान को क्या चीज चाहिए? गंदम चाहिए, खाना चाहिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज चाहिए। और क्या चीज है जो हमें ले डूबी है? कि हम ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, हमें बाहर से ऑयल मंगवाना पड़ता है। और ईरान के पास क्या चीज है जो वाफर तादाद में, इतनी तादाद में है सर वहां पे कि सड़कों पे रुल रहा होता है, वो है पेट्रोल, तेल वगैरह। इतना ज्यादा तेल है ईरान के पास कि उनको समझ नहीं आती है हम इसका करें क्या, इसको बेचे कहां। तो इट्स अ परफेक्ट मैच, हम एग्रीकल्चरल कंट्री है, उनको एग्रीकल्चर की जरूरत है, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हमें ऑयल की जरूरत है। इससे बेहतर मैच क्या हो सकता है? एक पाइपलाइन लगाएं और चल सो चल काम है। सो सिर्फ इसमें जो आड़े आ रही है, जो मसला है, वो आप जानते हैं, वो अमेरिका है। पहले भी खाकान अब्बासी साहब और जरदारी साहब वगैरह जब थे तो उन्होंने ये पाइपलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी, फिर अब्बासी साहब ने कहा कि जी हम पे वो क्या कहना चाहिए, सैंक्शंस लग जाएंगे कि अगर हमने ईरान के साथ ट्रेड किया तो, इन्हें ट्रेड तो नहीं किया मगर चोरी छुपे ट्रेड फिर भी करते रहे, स्मगलिंग करते रहे। ये सब हुकूमत जानती है कि वहाँ से स्मगलिंग हो रही, उसको अलाउ कर रही क्योंकि हमें तेल की ज़रूरत है। अब देखें, वो ईरान ने क्योंकि अटैक किया इसराइल पे, तो अमेरिका ने कहा कि जी पाकिस्तान कुड फेस सैंक्शंस, मिलर साहब ने कहा, आपने सुना। मगर सो फार लकली पाकिस्तान की कम से कम जो स्टेटमेंट्स हमने अखबार में पढ़ी हैं, फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि नहीं, हम अमेरिका से इस पे बात करेंगे क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी की अशद ज़रूरत है और हमने ईरान से तेल लेना ही लेना है। अभी तक उन्होंने बैक ऑफ नहीं किया, उन्होंने कहा हमने उनके साथ $10 बिलियन का या 10 बिलियन का ट्रेड जो है वो तय किया है और उसको हम फॉलो थ्रू करेंगे। अभी आई थिंक 2.4 बिलियन है या कुछ भी, यानी उसको 4 गुना बढ़ाने का इनका इरादा है।
और वो कह रहे हैं कि हम जी अमेरिका से बात करेंगे कि ये हमें करने की इजाज़त दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को बेसिकली ना डर होके कहना चाहिए कि जनाब अली इसके बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता, आप हमें डिनाई नहीं कर सकते, आप ईरान के साथ मामला तय करें, हम भी मदद करेंगे आपको ईरान के साथ मामला तय करने में। वैसे भी आपको फ़लस्तीन पर जो आप कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, इसराइल को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, जेनोसाइड कर रहे हैं वहाँ पर। सो यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। तो एनीवे पाकिस्तान को की गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नंबर एक, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एज फार एज पैलेस्टाइन इज कंसर्न्ड, एंड नंबर टू कि हमारी अशद ज़रूरत है कि हम ईरान के साथ ट्रेड करें, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा वो नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारा हक है कि हम अपने नेबर से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और अमेरिका हमें क्या डील ऑफर कर रहा है, इसके मुकाबले में हमें क्या डील ऑफर कर रहा है, आपने देख ही लिया IMF के साथ अमेरिका हमेशा कहता है नहीं नहीं हमारा कोई चक्कर नहीं, बट दे हैव 17.5% शेयर्स ऑन द IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वही पॉलिसी तय करते हैं, और उनके पास बिलियंस होते हैं यूक्रेन देने के लिए और इसराइल को देने के लिए बिलियंस होते हैं, मगर पाकिस्तान को 1 बिलियन देते हुए वो हमारी खाल उड़ देते हैं। तो बात यही है, ये सारा बड़ा पोलिटिकल होता है एक्चुअली, अगरचे वो कहते ही हैं कि नहीं जी हम प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन कर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। सो एनीवे पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटेजिक एलाय, वो भी जानते हैं, उनको भी हमारी ज़रूरत है, तो हमें अपनी बारगेनिंग पावर इस्तेमाल करते हुए यही कहना चाहिए कि नंबर एक बैक ऑफ पैलेस्टाइन, बहुत हो गया, आप कत्लेआम कर रहे हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर रायट शुरू हो गए हैं, अब पूरी दुनिया के अंदर आपके खिलाफ रायट्स हो रहे हैं, आप पूरी मुस्लिम दुनिया को से आइसोलेट हो रहे हैं, आपको समझ आप पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा ये ईरान के साथ तजारत करना ये हमारा सॉवरेन राइट है और हम वो करेंगे, हम किसी भी किस्म की सऊदी ईरान राइवलरी और अमेरिकन ईरान राइवलरी में नहीं जाना चाहते, मगर हम तिजारत करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जवाब देना चाहिए जिस तरह इंडिया ने जवाब दिया अमेरिका को, जब अमेरिका ने इंडिया से ये कहा कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, तो इंडिया ने कहा जी हम तो खरीदेंगे, यूरोप भी खरीद रहा है, हम भी खरीदेंगे। इंडिया ले रहा है डॉक्टर साहब, फ्रांस के साथ उसकी डील हो रही है वहाँ पे और हर जगह सब कुछ है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर शो। नाज़रीन अगर मैं इसको सम अप करूँ डॉक्टर साहब की बात को कि हर चारा घर को चारा घरी से गुरेज था, वरना जो हमको दुख थे बहुत ला दवा न थे। हम आएँगे वापस तो बात करेंगे जो भी किसानों के हवाले से जो बात की है, यहाँ गंदम ज़ाया हो रही है और हम साय में हम बेच भी सकते हैं। अब हम किसान इताद के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी हसीब अनवर साहब, चेयरमैन किसान इताद, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये फीडिंग ग्राउंड्स ऑफ सब कॉन्टीनेंट कहा करते थे, 47 से पहले 40% गल्ला उस इलाके में पैदा होता था जिस इलाके में आज पाकिस्तान है। चलें ये तो मैंने ज़िमनन बात की, मुझे ये बताइए कि ये इतनी सूरत के साथ 7 दिन में कहा जा रहा है आप कि इतनी सूरत के साथ यूक्रेन से जो है ये कैसे पहुंच गया यहाँ पे जो जहाज़ था और किसानों की गंदम वहीं पड़ी रह गई। खुदा ना खास्ता हालात उधर तो नहीं जा रहे जो हमने इंडिया में देखा है कि गले के ढेर के साथ जो है अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के किसानों की लाशें लटकी हुई हमने इंडिया में देखी। तो व्हाट्स हैपनिंग और हल क्या है जनाब चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ये बड़ी अफसोसनाक जो तस्वीर खींची है, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन यहाँ पर भी हालात इससे अब मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहे। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और ज़रात इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। इन हुक्मरानों ने, इनकी मिसमैनेजमेंट ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। आज इस मुल्क का किसान गंदम काट कर खुले आसमान के नीचे रख के बैठा हुआ है और इस उम्मीद से बैठा हुआ है कि उसको सरकारी बारदाना मिल जाए या उसको सरकारी इमदादी कीमत गंदम की जो पिछले साल के बराबर रखी गई है 3,900 रुपये, हालांकि हमारे खर्चे इस साल 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। 3,500 रुपये वाली यूरिया मेरे किसान ने, मेरे काश्तकार ने लाइनों में लग के 5,500 रुपये में खरीदी। बिजली के वो बिल जो पहले 1,00,000 से 1.5 लाख आते थे 6,000-7,000 रुपया भरे। DAP 14,000 से 15,000 की खरीदी। तकरीबन 300 रुपये लीटर डीजल जलाया।
इस सब के बावजूद तकरीबन 1.5 लाख रुपया फी एकड़ गंदम के ऊपर खर्चा करके इस मुल्क को खुद कफील किया। चौधरी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, आप ये बिल्कुल बात तो आपकी ठीक है कि जब सस्ती गंदम यहाँ इम्पोर्ट की, आपकी गंदम पड़ी रह गई और मिलर जो हैं वो इम्पोर्टेड सस्ती गंदम उठा के ले गए, इसी तरह हमने स्टील मिल तबाह की थी, इसी तरह ये सारी कहानी। अब आपका क्या लायमल है, आप किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, कोई पार्टी चाहे वो अपोजिशन में हो या सरकार तो जो है वो आपके सामने ही है, उन्होंने कल कह दिया कि हम गंदम नहीं उठाएंगे, तो क्या कोई आपकी पॉलिटिकल इन पार्टियों में भी कुछ से है कि आपकी इन मुतालबात को, आपकी इस दुख दर्द को कोई यानी दे रहा है मौका, या ये आपकी अपनी स्ट्रगल है, और अगर अपनी है तो आपका लाए अमल क्या है अपने हकूक के लिए? हमारी ये टोटल अपनी स्ट्रगल है, हम ना किसी सियासी जमात के आलाकार हैं, ना हम अपनी जेन्युइन कॉज को सियासी करना चाहते हैं। मैं ये आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि हत्ता के इस टाइम हुक्मरान जमात के एमएनएस एमपीएस जो के इस कौम की नब्ज को समझते हैं, जो के जेन्युइन असेंबलियों के अंदर आए हैं, जेन्युइन वोटों से आए हैं, वो इस अवाम के गम और गुस्से को समझ रहे हैं और वो बार बार ये बात कर रहे हैं, अरबाब इख्तियार से ये बात कर रहे हैं कि इस कौम की, इस किसान की इस तकलीफ को समझा जाए। हमारे मौकफ की तायीद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी की है, उन्होंने पास्को का जो खरीदारी का टारगेट था वो 4 लाख टन से बढ़ाया, जो कि हमारे मौकफ की तायीद करता है। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ सख्त तरीन ज्यादती कर रही है और इसका असर सिर्फ इस फसल पे नहीं होगा, ये तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान है जो इस इकोनॉमी का होने जा रहा है और ये नुकसान आने वाले 3 से 4 साल ये मुझे एक्सप्लेन करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे चौधरी जसीम साहब कि ये 500 अरब रुपए का नुकसान कैसे है, इसकी वजाहत करेंगे। इस वक्त हुकूमत ने जो इमदादी कीमत गंदम की रखी है वो 3,900 रुपए रखी है, लेकिन मेरे काश्तकार को 3,100-3,200 में उसकी गंदम बिक रही है मार्केट के अंदर। ये प्राइवेट लोग, ये प्राइवेट माफिया जो उससे गंदम खरीद रहा है, ये 3,100-3,300 में नहीं बेचेगा। पिछले साल का फूड का रेट भी 4,600-4,700 रुपए है। उस जब ये गंदम जब किसान मजदूर के हाथ से निकल जाएगी, ये गंदम 4,500-5,000 में बिकेगी। आप दो तबकों का इस्तेसाल कर रहे हैं, किसान से उसकी गंदम सस्ती खरीद के इस्तेसाल कर रहे हैं और यही गंदम का आटा जब इस मुल्क का, इस मुल्क की आबादी खरीदेगी, इस मुल्क का शहरी खरीदेगा, तो उसको 4,500-5,000 रुपए में कॉस्ट करेगी। गंदम की फसल बेच के, गंदम की फसल काट के, गंदम की फसल बेच के मेरे मजदूर ने, मेरे काश्तकार, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि ये मिडल मैन जो है यही सबसे बड़ा अजाब है, जिसे हम कमीशन एजेंट कहते हैं पंजाबी में, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो रहने ही दें। ये बताएं कि ये अपना इंडिया जो है, हमारा हमसाया है यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जहाँ बैठ के मैं शो कर रहा हूँ, वहाँ किसान को क्या क्या सहूलतें मिलती हैं और आपके मुकाबले में? इंडिया के अंदर हम जो इंडियन पंजाब का काश्तकार है उसको बिजली मुफ्त है, हमारे यहाँ 6 से 7 लाख एवरेज ट्यूबवेल का बिल है। इंडिया के अंदर यूरिया का रेट 400 रुपए है, हमारे यहाँ पे यूरिया का रेट 5,500 रुपए है। इंडिया के अंदर डीएपी का रेट 1,200 रुपए है, हमारे यहाँ 14 से 15,000 रुपए है। इंडिया के अंदर डीजल का रेट 84 रुपए है, हमारे यहाँ पे तकरीबन 300 रुपए है। इंडिया के अंदर ट्रैक्टर इंतहाई सस्ते हैं, हमारे यहाँ पे ऑन एवरेज 30 लाख रुपए का ट्रैक्टर है। इंडिया के अंदर लेटेस्ट तरीन बीज हैं, उनकी एवरेज पैदावार 60 मन से ऊपर है, हमारी एवरेज पैदावार 30 से 35 मन है। इस सब सूरत हाल में रहते हुए यहाँ का किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो वो और क्या करेगा। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवसत से इस मुल्क की आला अदलिया और पाक फौज से भी अपील करता हूँ कि वो भी इस मसले को देखें। 65% आबादी का मुआशी कत्ल अगर हो गया तो ये मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और हमने कल भी शो किया था और हम इसी उठाएंगे। और चौधरी साहब एक बात और भी है, अगर हमने इस बात पे पेट पे सियासत नहीं करनी तो उठा के ले जाएं जहाँ इन्होंने सियासत लेके जानी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि पार्टियाँ भी आपको अगर नहीं
कर रही, तो ये आपका क्या लाया अमल होगा? कुछ दोस्त आपके कह रहे थे, कल खालिद खरल साहब भी आए हुए थे हमारे शो में, वो फरमा रहे थे कि हम मेन आर्टरी, मुझे खुद एक किसान ने फ़ोन किया जो कि मेरे जाती जानने वाले हैं, मेरे हॉस्टल फैलो थे, कि हम जो है वो हम मेन आर्टरीज पर आके अपना एहतजाज जो है जो एक पुरमन एहतजाज करेंगे। तो इस सिलसिले में कोई आपका लाया अमल है अपनी सुनवाई के लिए? हम अपना लाहे अमल बना रहे हैं, हम एहतजाज का दायरेकार बढ़ाएंगे। देखें, हमारे पास सिवाय एहतजाज के और क्या हल है? हम अपना जायज मुतालबा, अपना हक, अपना जमहूरी हक लेने के लिए एहतजाज ही कर सकते हैं। गिरफ्तारियां भी, गिरफ्तार भी हुए हैं कुछ हमारे किसान भाई। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब हमने लाहौर का रुख किया तो 79 किसानों के साथ वो सलूक किया गया जैसे वो इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको जेलों में बंद किया गया। क्या इस मुल्क का गल्ला पैदा करने वाला इस कदर दहशतगर्द है? ऐसा नहीं होता जमहूरी हुकूमतों में, ऐसा नहीं होता मुहज़्ज़िब मुआशरों में, ऐसा नहीं होता। मैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, इन सब से ये मैं कहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क के किसान के साथ इतना बड़ा साहब, आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और ये आपकी बात ऊपर पहुँचाते रहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ तो किसान को अल्लाह का नायब कहते हैं अपनी नज़म में, और ज़ाहिर है दुरुस्ती कहते हैं, मगर सवाल ये है, इसी पे आज हम प्रोग्राम क्लोज़ करते हैं, अगर भूख पे सियासत नहीं करनी तो कौन सा लाहौर को पेरिस बनाओगे और कौन सी हमें रियासत मदीना दोगे जो दो वक्त की रोटी किसान को नहीं दे रहे, उसके मुंह से नवाला छीन के छीनते हैं? तो ये सारे, ये दो नंबर और ये जो नॉन इश्यूज़ की सियासत है, फॉर गॉड सेक इसको बंद करके इन इश्यूज़ पे आएँ, इन इश्यूज़ पे लोग मोबालाइज़ होंगे और इन इशूज़ पर लोग जो हैं वो बाहर भी आएँगे, वरना ऊपर बंदर बाँट और केक के ऊपर लड़ाई चलती रहेगी। मेरा ऐसा इतना, तेरा ऐसा इतना। इसी बात पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।